जय हिंद स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अ चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 9.3. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बार ग्राफ. सो डेफिनेशन ऑफ बार ग्राफ इज, स्टूडेंट्स, बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. मीन्स न्यूमेरिकल डेटा का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्या बार ग्राफ, एंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. और किस फॉर्म में है? फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. मीन्स हम उसे रेक्टेंगल्स में या फिर बार्स में उसे शो करते हैं. ऑफ इक्वल विड्थ, और जिसमें कि जो हमारी विड्थ है वो क्या होती है? इक्वल होती है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, तो ये इक्वल है. यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 का डिस्टेंस है. सो एंड वेरिंग हाइट. वेरिंग हाइट मीन्स डिफरेंट हाइट्स के जो हम ये बार्स बनाते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं, तो उनकी जो हाइट होती है वो वेरिंग मीन्स डिफरेंट होती है. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमें बार ग्राफ है. तो यहाँ पर ये है हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज वाई एक्सिस. तो इसमें इस टाइप से हम बार ग्राफ हमें गिवन है. यहाँ पर हमें एक बच्चे के मार्क्स दिए हुए हैं, हिंदी, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस. हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के, इंग्लिश के और साइंस के मार्क्स हमें गिवन है. सो अब हमें इसमें रीड करना है ये इस बार ग्राफ में कि कितने मार्क्स हैं उसके हिंदी में. हिंदी में कितने मार्क्स हैं उसके? हिंदी में है उसके 50 मार्क्स. वो हमें कैसे पता चला? हमने क्या करा, ये जो हमारा बार है इसको हमने यहाँ से ज्वाइन करके देखा, ठीक है. तो हिंदी में है उसके 50 मार्क्स, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं कि हिंदी के मार्क्स हैं उसके 50. मैथ्स में है, ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से, 40 मार्क्स मैथ्स में, 40. नेक्स्ट इंग्लिश, इंग्लिश में ज्वाइन करेंगे हम, देख रहे हैं यहाँ 60 से आ रहा है यहाँ पे. सो इंग्लिश में 60 मार्क्स, साइंस में है 40, साइंस में भी उसके 40 मार्क्स हैं, साइंस में है 40 मार्क्स. तो इस टाइप से हमें इस एक्सरसाइज में हमें क्या देखना है? रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ. मीन्स हमें एक्सरसाइज 9.3 में हम बार ग्राफ को रीड करने के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.3 इज द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाई गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002. तो यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ गिवन है जो शो कर रहा है अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाई गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने अमाउंट ऑफ वीट, कितना वीट परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर 1998 से लेकर 2002 तक. रीड द बार ग्राफ, हमें क्या करना है? इस बार ग्राफ को रीड करना है एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज. और हमें बताना है कि द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, किस ईयर में वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम था. सो हियर गिवन ग्राफ इज, यहाँ पर ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर हमें ईयर्स गिवन है. मीन्स 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. एंड हेयर वर्टिकल लाइन में हमें गिवन है वीट इन 1000 टर्म्स. मीन्स यहाँ तक हमारा क्या है? 0 to 5,000 टर्म्स. यहाँ तक 0 to 10,000 टर्म्स, 15,000 टर्म्स, 20,000 टर्म्स, 25,000 टर्म्स एंड 30,000 टर्म्स. एंड गिवन यूनिट इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5,000 टर्म्स. मीन्स यहाँ पर हमें जो डिफरेंस है वो 5 का डिफरेंस है 5,000 टर्म्स का. तो यहाँ पर हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस टाइप से ही हमें गिवन है. ईयर्स 1998. तो अब हमें रीड करना है कि 1998 में कितने 1000 टर्न्स वीट प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्शन हुआ. सो 1998 में कितना हुआ, हम क्या करेंगे? इससे यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे स्टेप से. तो 1998 में प्रोडक्शन है 15,000 टर्न्स का. 1999 में यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम, देख रहे हैं हम 25. सो 25,000 टर्न्स इन 1999. 2000 में 20 ज्वाइन करके देखेंगे हम, 20,000 इन 2000,
20,000 tons 2001 में, also 20,000 tons, and in 2002 में है 30, यहां तक आ रहा है हमारा। इसे जब हम ज्वाइन करेंगे तो दिस इज 30,000 टन्स। तो इस टाइप से हम इसे रीड करेंगे। एंड क्वेश्चन है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम किस में है? तो वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम है हमारा इन 2002। तो एक आंसर होगा इन 2002। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज द वीट प्रोडक्शन मिनिमम, मिनिमम कौन से ईयर में है? तो मिनिमम है हमारा यहां पर, ठीक है, मिनिमम हमारा 15,000 टन्स का है, 15 है, सो ईयर है 1998। सो आंसर इज इन 1998 वीट प्रोडक्शन मिनिमम। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ गिवन है जिसमें क्या शो हो रहा है, सेल ऑफ शर्ट्स, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, सेल हमें शो हो रहा है किस दिन हमारी कितनी शर्ट्स सोल्ड हुई है मंडे टू सैटरडे। एंड गिवन लेंथ इज 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। सो ये हमें बार ग्राफ गिवन है जिसमें हमें दिख रहा है नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, यहाँ पर 0 to 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 and 65, ओके, दीज आर शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स। एंड हेयर डेज गिवन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हम इसमें रीड करना है इसको, बार ग्राफ को, कि मंडे में कितनी शर्ट्स सेल हुई है। तो मंडे में कितनी हुई है हम कैसे चेक करते हैं, हम इसे ज्वाइन करके देखते हैं, यहाँ से इसे ज्वाइन करके हम देखेंगे। तो 15 शर्ट्स, ओके। एंड इन ट्यूसडे, ट्यूसडे में हम जब इसे ज्वाइन करेंगे तो 10 शर्ट्स। नाउ वेडनेसडे, वेडनेसडे में 20, थर्सडे 30, फ्राइडे में 50 शर्ट्स एंड इन सैटरडे 60, ओके। तो इस टाइप से हम इसे ज्वाइन करेंगे, ट्यूसडे 10, 15, हम इसे स्केल से भी ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं, स्केल से भी हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर हम इसे ऐसे रखकर, ठीक है, ये 10 हो गया, ये हमारा, इस टाइप से हम इसे देखेंगे 20। तो इस टाइप से हम स्केल की हेल्प से भी ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं कि कितनी शर्ट्स हमारी किस डे में सेल हुई हैं। सो हेयर फर्स्ट पार्ट इज, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने पूछा है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव, इस बार ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो आंसर यहां पर है द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड में शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो दिस बार ग्राफ शोज, द बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ शर्ट्स, the sale of shirts from Monday to Saturday, okay। तो इससे हमें ये information मिल रही है कि Monday से लेकर Saturday तक किस day में कितनी shirts sale हुई है। And B part is What is the scale chosen on the horizontal line representing number of shirts? तो कौन सा स्केल हमने चूज किया है, कौन सा स्केल है यहाँ पर, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट्स। सो आंसर इज 1 यूनिट लेंथ
is equal to 5 shirts. C part. Question is, on which day were the maximum number of shirts sold? Means, ऐसा कौन सा डे था जिसमें सबसे ज्यादा शर्ट्स हमारी सोल्ड हुई. सो दिस डे इज 60 है हमारा, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट या सबसे जो, ठीक है, हाइट सबसे ज्यादा सैटरडे की है और यहाँ पर हमारी 60 शर्ट्स सोल्ड हुई हैं, तो मैक्सिमम है सैटरडे. सो आंसर इज सैटरडे. हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन हमारी कितनी शर्ट्स सोल्ड हुई हैं? 60. नेक्स्ट पार्ट इज, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर्स ऑफ शर्ट्स सोल्ड, सबसे कम हुई है ट्यूजडे में, ठीक है, सबसे ये है हमारा ट्यूजडे का, एंड कितनी हुई है? 10 ट्यूजडे. हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे में कितनी हुई है? 30 इन थर्सडे. 30. सो हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, आंसर इज 30. सो नाउ स्टूडेंट्स डू एक्सरसाइज 9.3. थैंक यू.